नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स के लिए ऑनलाइन क्लास है। तो दोस्तों, अभी लास्ट वीडियो जो हमारा था वो था बेसिकली हमने क्वेश्चन आंसर देखे थे डेटा कम्युनिकेशन के। तो आज का वीडियो भी इसी पर्पज से, आज के वीडियो में भी मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, आज की वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी के लिए हमने आपके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है codingexpert.com, वहाँ पे भी जाके आप अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं और आपके जो भी कुछ नोट्स है वो भी वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। द कंप्यूटर नेटवर्क इज, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ऑप्शन हमारे नेटवर्क कंप्यूटर विद केबल, केबल के साथ जो कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना हुआ वो नेटवर्क कंप्यूटर विदाउट केबल, नेटवर्क कंप्यूटर विदाउट केबल, बिना केबल के साथ कंप्यूटर्स आपस में अटैच है वो बोथ ऑफ द वो नन ऑफ द वो। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हमने डिस्कस किया था। कंप्यूटर नेटवर्क का मीन्स क्या होता है कि रिसोर्सेज का यूज करना, चाहे वो केबल के थ्रू हो, चाहे वो आपका वायरलेस हो या वायर के थ्रू, मतलब केबल के थ्रू या केबल विदाउट केबल हो। तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि नेटवर्क विद केबल और विदाउट केबल। तो नेटवर्क विद केबल और विदाउट केबल जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, कि जो नेटवर्क है वो विद केबल और विदाउट केबल के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा दैट इज सी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसके अंदर? सी, क्योंकि नेटवर्क का मतलब ही क्या होता है आपका, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है नेटवर्क विद केबल और विदाउट केबल। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है FDDI स्टैंड फॉर, FDDI मतलब फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, फाइबर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस, फाइबर ड्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो आंसर होगा क्या होगा, F मतलब फाइबर। अब DDI का मतलब क्या होगा, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा फाइबर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस, क्योंकि डेटा का डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहा है फाइबर के थ्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फाइबर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइबर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस, इसमें से कौन सी एक एप्लीकेशन लेयर सर्विस है। एप्लीकेशन लेयर सर्विस में हमने देखा था कि नेटवर्क ऑप्शन है, नेटवर्क वाइटल टर्मिनल, टर्मिनल नहीं होता नेटवर्क, टर्मिनेट कब होता है सेशन के अंदर, तो ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट, ये काम होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का, तो ये भी इसका वर्क नहीं होगा। मेल सर्विसेज ऑल द अबव, अब जो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर सर्विसेज है वो क्या प्रोवाइड करवाती है आपको, एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है। बेसिकली क्या प्रोवाइड करवाती है, इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पे जो इंटरफेस आपको प्रोवाइड करवा रहा है वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, मेल सर्विसेज। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मेल सर्विसेज, कौन सा होगा, मेल सर्विसेज। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मेल सर्विसेज। दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन फंक्शन क्या है। देखिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेन फंक्शन है वो है आपका, ऑप्शन देखिए, नोड टू नोड डिलीवरी, एंड टू एंड डिलीवरी, सिंक्रोनाइजेशन एंड अपडेट एंड मेंटेनेंस, राउटिंग टेबल। तो देखिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में हमने जब देखा था, हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन वर्क क्या होता है, एंड टू एंड कम्युनिकेट करना, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक कम्युनिकेट करना, नोड टू नोड कम्युनिकेट का मीन्स नहीं होता है। नोड टू नोड का मतलब यदि डिवाइसेज, बहुत सारे डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड है तो उनका वो एक तरीके से नोड टू नोड डिलीवरी नहीं करती है, वो सेंडर टू रिसीवर के बीच में ही वर्क करती है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क जो मेन होता है वो एंड टू एंड डिलीवरी होता है, क्या होता है, एंड टू एंड डिलीवरी। तो करेक्ट आंसर है एंड टू एंड डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेटवर्क सर्विसेज, उनमें से कौन सी नेटवर्क सर्विसेज है, फाइल सर्विसेज, प्रिंट सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज एंड ऑल द अबो। तो नेटवर्क सर्विसेज की जब हम बात करते हैं
तो आपकी फाइल सर्विसेज भी नेटवर्क सर्विसेज होती है, क्योंकि आप फाइल का रिसोर्सेज कर रहे हो, शेयर कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये फाइल सर्विसेज आपका नेटवर्क सर्विसेज है। प्रिंट सर्विसेज, एक प्रिंटर के थ्रू यदि हमने बहुत सारे सिस्टम्स को कनेक्ट कर रखा है तो प्रिंट सर्विसेज भी नेटवर्क के थ्रू आपको एक्सेस हो रही है। डेटाबेस सर्विसेज, यदि आपने एक सिस्टम को डेटाबेस वहां पे स्टोर कर दिया, उसको सर्वर बना दिया, तो डेटाबेस सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो रही है। लास्ट ऑप्शन है ऑल दी अबव, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल दी अबव। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑल दी अबव, क्योंकि ये सारी सर्विसेज आपकी किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, नेटवर्क सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड की जा सकती है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑल दी अबव। राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑल दी अबव इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब देन टोपोलॉजी इज कॉल्ड। यदि सारी डिवाइसेज सेंट्रल हब के थ्रू अटैच होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों हमने देखा था कि यदि सारी डिवाइसेज एक सेंट्रल हब के थ्रू, सेंट्रल हब के थ्रू कनेक्टेड है, किसके थ्रू कनेक्टेड है, सेंट्रल हब के थ्रू, तो उस टोपोलॉजी को क्या बोलेंगे। तो जब सेंट्रल हब के थ्रू यदि कोई भी डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड होती है तो वो होती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। कौन सी होती है, स्टार टोपोलॉजी। इसका राइट आंसर होगा स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, द लेयर चेंज बिट्स ऑन टू इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट सिग्नल। इस लेयर के अंदर जो बिट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, कौन सी लेयर होती है वो। तो बिट्स के बारे में हम जब बात करें तो जो हमारी लेयर होती है, हमने डिस्कस किया था कि आपको जो बिट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, कोई भी जो सिग्नल्स बिट्स की फॉर्म में जो आ रहे हैं, वो लेयर आपकी फिजिकल लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है दोस्तों, फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर के अंदर जो सिग्नल्स है, फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, जो बिट सिग्नल्स, जो सिग्नल्स उसके पास रिसीव हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, वो उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में। किसमें कन्वर्ट करती है, वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज फिजिकल, क्या होगा, फिजिकल लेयर। क्या होगा राइट आंसर, फिजिकल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैश टोपोलॉजी रिलेशनशिप बिटवीन वन डिवाइस एंड अनदर इज। अब मैश टोपोलॉजी में रिलेशनशिप कैसा होता है, मैश टोपोलॉजी क्या होती है दोस्तों। मैश टोपोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि मैश टोपोलॉजी एक किस तरीके की टोपोलॉजी होती है जिसके अंदर वन टू वन कम्युनिकेशन होता है, मतलब नोड टू नोड कनेक्ट होते हैं। मैश के अंदर हमने डिस्कस किया था कि यदि ये सिस्टम्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो ये डायरेक्ट केबल के थ्रू कनेक्टेड होंगे, ये डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो डायरेक्ट हो रहा है, यदि इसके बीच में इसके, ये इसका लिंक है और ये इसका लिंक है, तो इस तरीके से तीनों सिस्टम्स आपस में एक दूसरे से सेपरेटली कनेक्टेड होते हैं। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, जो रिलेशनशिप है वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, प्राइमरी टू पीर। अब आता है प्राइमरी टू पीर, अब पीर प्राइमरी यदि ये रहता है तो पीर इसके बीच में, तो प्राइमरी ये भी रह सकता है, क्योंकि प्राइमरी तो कोई भी रह सकता है इसमें, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैश टोपोलॉजी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे सिस्टम आपस में सेपरेटली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो प्राइमरी टू पीर रिलेशनशिप यहाँ पे होता ही नहीं है, क्योंकि एक से प्राइमरी का फिक्स नहीं है, प्राइमरी कोई सा भी हो सकता है आपका। नेक्स्ट है पीयर टू प्राइमरी, पीयर टू प्राइमरी भी आपके इसमें ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि पीयर टू प्राइमरी क्या होगा कि जो रिलेशनशिप है कोई पीयर टू प्राइमरी के बीच में नहीं हो सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप तो सभी के अंदर होगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्राइमरी टू सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी तो वैसे ही नहीं हो सकता, प्राइमरी टू सेकेंडरी मतलब दो ही डिवाइसेस के बीच में रिलेशनशिप नहीं हो सकता, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर नेक्स्ट ऑप्शन है पीयर टू पीयर, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पीयर टू पीयर। अब पीयर टू पीयर आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि पीयर टू पीयर का मतलब क्या है, वन टू वन कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ पे जो आपका मेश टोपोलॉजी उसमें वन टू वन ही कम्युनिकेशन होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होगा। राइट आंसर क्या होगा, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होगा। तो दिस इज द राइट आंसर, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन आपके इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क डिपेंड ऑन। परफॉर्मेंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, किसी भी जो नेटवर्क की है उसकी परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड रहती है, द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क डिपेंड ऑन किस पे रहती है, नंबर ऑफ यूजर्स, द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, द ट्रांसमिशन एंड ऑल दी अबव। तो देखिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस की हम यदि बात करें किसी भी नेटवर्क की, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ यूजर्स, करेक्ट।
जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स होंगे उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस आपकी थोड़ी सी वीक होगी, या फिर आपके जो डिपेंड करेंगे कि नंबर ऑफ जो यूजर्स है वो कितने हैं, तो परफॉर्मेंस नंबर ऑफ यूजर्स पे भी डिपेंड करती है। दूसरा है द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। करेक्ट, किसी भी नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है उसमें यूज होने वाले हार्डवेयर डिवाइसेज और सॉफ्टवेयर डिवाइसेज पे दोनों पे ही होती है। द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मीडिया, किस ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, वायरलेस के थ्रू हो रहा है, वायर के थ्रू हो रहा है, वो भी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है। एंड द ऑल दी अबोव, इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑल दी अबोव। ये सब इफेक्ट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को, किसी भी डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में ये सब किसको इफेक्ट करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑल द अबोव इसके अंदर। राइट आंसर क्या होगा? ऑल दी अबोव इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड आउट द ओएसआई लेयर व्हिच परफॉर्म टोकन मैनेजमेंट। कौन सी लेयर आपकी टोकन मैनेजमेंट परफॉर्म करती है? टोकन मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी लेयर जो कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि हम जाते हैं कहीं, तो हमें टोकन मिलता है टाइम पीरियड के लिए रहता है कि ये टोकन इतने टाइम तक का वैलिड है। तो सेम यहाँ पे यही है कि जो परफॉर्मेंस कौन सी ऐसी ओएसआई लेयर है जो कि टोकन मैनेजमेंट परफॉर्मेंस वर्क करती है। टोकन मैनेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपका जो टोकन है, टोकन मैनेजमेंट मतलब कि कितने टाइम तक वो सेशन रहेगा, उसको कितने टाइम तक उसको चलाना है, वो कौन सी लेयर डिसाइड करेगी। तो हमने इसमें डिस्कस किया था आपके जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग कि देखिए, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर का बेसिकली काम क्या होता है, नेटवर्क लेयर का आपका जो काम होता है वो नेटवर्क एस्टेब्लिश करना और चेक करना एरर फ्री है या नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। प्रेजेंटेशन लेयर आपके इंटरफेस को एक तरीके से देखता है कि किस तरीके से जो डेटा है वो सेंड किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, किस फॉर्मेट में डेटा जा रहा है। बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, किस फॉर्मेट में डेटा जा रहा है। और द सेशन लेयर, अब सेशन लेयर हमने डिस्कस किया था कि एक सेशन क्रिएट करता है बिटवीन होस्ट एंड आपका जो भी क्लाइंट या रिसीवर जो है, उन दोनों के बीच में, क्लाइंट या सर्वर के बीच में एक सेशन क्रिएट करता है। तो बेसिकली टोकन मैनेजमेंट यहाँ पे हो रहा है कि इस तरीके से जो टोकन एक तरीके से क्रिएट हो रहा है, टाइम सर्टेन क्रिएट हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, आपका सेशन लेयर के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है? सेशन लेयर के थ्रू। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका सेशन लेयर। करेक्ट आंसर क्या होगा? सेशन लेयर। किसके थ्रू परफॉर्म हो रहा है? सेशन लेयर के थ्रू परफॉर्म हो रहा है। तो करेक्ट आंसर है सेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच देर आर बाई डायरेक्शनल लिंक बिटवीन ईच पॉसिबल नोड। अब कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसके अंदर बाई डायरेक्शनल लिंक होते हैं? बाई डायरेक्शन का मतलब क्या होगा? बोथ साइड। बाई डायरेक्शन मतलब क्या हो? बोथ साइड लिंक्स होंगे, मतलब रिसीवर से सेंडर की तरफ डेटा ट्रांसमिट हो सकता है और सेंडर से रिसीवर की तरफ भी डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है। दोनों तरफ डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है दोनों नोड के बीच में। तो हमने जब से बात करें रिंग की, तो रिंग वन डायरेक्शन होता है, यूनि डायरेक्शन, क्योंकि उसमें डेटा का ट्रांसफर एक ही तरफ होता है। इस तरीके से रिंग टोपोलॉजी लगती है और इसमें डेटा का फ्लो जो होता है वो इस तरीके से ही होता है। तो आपका रिंग टोपोलॉजी इसमें नहीं आ सकता है। देन आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया कि स्टार टोपोलॉजी में हब से डेटा ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे ये अब लगा हुआ है और यहाँ पे ये डिवाइसेस है, तो इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब हब से डेटा आ रहा है किसके बीच में? आपके सिस्टम के बीच में। तो ये भी क्या होता है? यूनिडायरेक्शन होता है। देन आता है ट्री। ट्री के तो हमने बारे में डिस्कस किया था कि ट्री बेसिकली क्या होता है? हाइब्रिड होता है, दो या दो से ज्यादा जो भी टोपोलॉजी है उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो ट्री तो कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं यहाँ पे, जिसके अंदर दोनों तरीके से डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट किया जा सके। लास्ट ऑप्शन इसमें मैश। क्या है? मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी इसका फाइनल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि नोड एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड होता है, इस तरीके से एक सेपरेटली लिंक केबल के थ्रू ही कनेक्टेड रहते हैं। और यहाँ पे सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों डेटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं एक ही टाइम पे। तो इस वजह से इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका मैश टोपोलॉजी। क्या आंसर होगा इसमें? मैश टोपोलॉजी। फाइनल आंसर क्या होगा इसका? मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड
यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड किस में मेजर की जाती है? बाइट्स पर सेकंड, बॉड बिट्स पर सेकंड एंड बोथ बी एंड सी। तो डेटा ट्रांसमिशन की जो रेट है बेसिकली बिट्स पर सेकंड में मेजर की जाती है। हमें भी डिस्कस किया था कि जो सबसे छोटी जो यूनिट्स है वो होती है आपकी बिट्स पर सेकंड, ठीक है। आप इसको बाइट्स पर सेकंड भी बोल सकते हो और बिट्स पर सेकंड में बोल सकते हो। तो बेसिकली जो मेजरिंग की जाती है डेटा ट्रांसमिशन की रेट वो होती है बिट्स पर सेकंड। क्या होती है? बिट्स पर सेकंड। बिट्स पर सेकंड के अंदर ही डेटा ट्रांसमिशन रेट मेजर की जाती है आपकी, कितने बिट्स पर सेकंड के अंदर ट्रांसमिट हुए, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, बिट्स पर सेकंड जो है वो इसमें यूज किया जाता है आपकी डेटा ट्रांसमिशन की रेट के अंदर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? Which of the communication modes support two-way traffic but in only one direction of a type? दोनों तरफ direction मतलब support करता है दोनों modes को। आप both direction में data को send कर सकते हो, but certain time पे एक ही time पे केवल एक ही direction में data को send करोगे, ठीक है। तो हमने इसमें देखा था कि आपका जो है ऐसा कौन सा ट्रांसमिशन मोड है जो दोनों तरफ डेटा को सेंड करता है, रिसीव करता है बोथ डायरेक्शन के अंदर, बट साइमल्टेनियसली नहीं करता है, एक टाइम पे एक ही करता है। तो हम बात करें पहला सिंप्लेक्स की। सिंप्लेक्स में क्या होता है? सिंप्लेक्स में ओनली वन टाइम पे वन डायरेक्शन में डेटा सेंड होता है। दूसरा है आपका हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में आप कह सकते हो कि जो डेटा है वो दोनों तरफ ट्रांसमिट होता है बट एट ए टाइम पे एक ही तरफ ही ट्रांसमिट होता है। तो इस वजह से यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा फुल डुप्लेक्स। क्या होगा? फुल ओ सॉरी हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स के बीच में डेटा ट्रांसमिट होता है दोनों वे के अंदर बट एट ए टाइम पे एक ही होता है, क्योंकि फुल डुप्लेक्स में आपका जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो होता है डबल, मतलब दोनों तरफ भी डेटा ट्रांसमिट होगा बट साइमल्टेनियसली भी होगा। साइमल्टेनियस मतलब एक ही टाइम पे रिसीव भी कर सकते हो सेंड भी कर सकते हो। आप डुप्लेक्स में क्या करोगे? एक ही टाइम पे या तो रिसीव करोगे या सेंड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड वाइटल वर्चुअल टर्मिनल इन टीसीपी आईपी मॉडल। द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल, द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल विच, कौन सा नेम ऑफ प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड वर्चुअल टर्मिनल इन टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर जो वर्चुअल टर्मिनेशन है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? तो टीसीपी आईपी मॉडल में हमने देखा था कि वर्चुअल टर्मिनल, वर्चुअल जो टर्मिनल है वो आपका कौन सा प्रोटोकॉल रहेगा इसमें से? एसएमटीपी की यदि इसमें जो ऑप्शन दिए एसएमटीपी, एसएमटीपी का वर्क होता है सिंपल मेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी नहीं होगा। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी नहीं होगा। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये भी नहीं होगा। इसमें जो करेक्ट आंसर आता है आपका वो बचता है ए। वो क्या है? ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? टेलनेट। तो टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि किसमें काम आता है? वर्चुअल टर्मिनल प्रोवाइड करवाता है आपको TCP/IP मॉडल का। क्या प्रोवाइड करवाता है? TCP/IP मॉडल का वर्चुअल प्रोवाइड, वर्चुअल टर्मिनल, वर्चुअल टर्मिनल प्रोवाइड करवाता है टेलनेट प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? टेलनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेयर वन ऑफ द ओएसआई मॉडल की। ओएसआई मॉडल की कौन सी आपकी लेयर है इसके अंदर? द लेयर वन ऑफ द ओएसआई मॉडल ही। देखिए दोस्तों अपन ने डिस्कस किया था ओएसआई मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स होती है? सेवन लेयर्स होती है। ओएसआई मॉडल में सेवन लेयर्स होती है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके फिजिकल लेयर, लिंक लेयर, राउटर लेयर, ब्रॉडकास्ट लेयर, तो इसमें से कौन सी लेयर है जो ओएसआई मॉडल के अंदर है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर हमने डिस्कस किया था कि जो सबसे पहले जो ओएसआई मॉडल की लेयर होती है वो होती है आपकी फिजिकल लेयर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका फिजिकल लेयर। क्यों? क्योंकि लिंक लेयर कोई होता नहीं है, राउटर लेयर भी नहीं होती है, ब्रॉडकास्ट लेयर भी नहीं होती है। लिंक लेयर नहीं होती, वो डेटा लिंक लेयर होती है आपकी। कौन सी होती है? डेटा लिंक लेयर। इस वजह से ये लिंक लेयर इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आपका फिजिकल लेयर। क्या आएगा इसमें? फिजिकल लेयर। तो करेक्ट आंसर जो इसका बन रहा है वो होगा आपका फिजिकल लेयर की जो आपकी
इसके अंदर जो लेयर रहती है वो होती है आपकी फिजिकल लेयर। रोसाई मॉडल के अंदर जो लेयर आएगी दैट इज फिजिकल लेयर। तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग TCP/IP प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनादर मशीन, वन मशीन टू अनादर मशीन। तो एक कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है आपका फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए एक मशीन से दूसरी मशीन के लिए? तो हमने डिस्कस किया था कि FTP जो प्रोटोकॉल होता है जिसको हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, वो प्रोटोकॉल आपका यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, किसी भी फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए एक मशीन से दूसरी मशीन के लिए। तो इसमें जो आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, क्योंकि FTP क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, इसके अंदर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो यूज किया जाता है ट्रांसमिट करने के लिए। अ नेटवर्क दैट नीड ह्यूमन बीइंग्स टू मैन्युअली राउट सिग्नल्स इज कॉल्ड। अब ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो कि नीड्स है जिसमें ह्यूमंस की टू ह्यूमन बीइंग्स टू बी मैन्युअली राउट सिग्नल, सिग्नल्स को राउट करने के लिए, मतलब मशीन के थ्रू डायरेक्ट सिग्नल्स राउट नहीं होंगे, इसमें कौन सा नेटवर्क है? तो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की बात करते हैं, उसमें ऑटोमेटिक ही सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। बस नेटवर्क या रिंग नेटवर्क की हम बात करें तो भी उसी के अंदर कोई ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं होता है। टी स्विच नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके अंदर ह्यूमन की रिक्वायर रहती है सिग्नल्स को राउट करने के लिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कि अ नेटवर्क दैट नीड्स ह्यूमन बीइंग्स टू मैन्युअली राउट सिग्नल्स इज कॉल्ड टी स्विच नेटवर्क। क्या बोलते हैं उसको? टी स्विच नेटवर्क उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP/IP लेयर करेस्पोंडेंस टू द ओएसआई मॉडल्स टू द थ्री लेयर। अब जो TCP/IP की जो लेयर है, TCP/IP में हमने डिस्कस किया था कि TCP/IP में आपकी जो लेयर्स होती है 4 या 5 लेयर्स होती है, ठीक है, और ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती है। तो ओएसआई मॉडल की जो टॉप मोस्ट लेयर्स है, इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि TCP/IP लेयर्स करस्पॉन्ड टू ओएसआई मॉडल्स टू थ्री लेयर। ओएसआई मॉडल्स की कौन सी थ्री लेयर्स TCP/IP मॉडल्स के इसमें इक्विवेलेंट होती है? तो हमने देखा था कि जो TCP/IP जो मॉडल था हमारा, उसके अंदर टॉप थ्री जो लेयर्स थी, टॉप थ्री लेयर्स कौन थी? एप्लीकेशन लेयर, आपकी प्रेजेंटेशन लेयर और आपकी सेशन लेयर। ये तीन लेयर जो रिप्रेजेंट करती है वो सिंगल लेयर को रिप्रेजेंट करती है TCP/IP में, और उस सिंगल लेयर को हमने डिस्कस किया था वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, उस लेयर का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर। कौन सा होता है आपका? एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर तीनों एक ही लेयर से रिप्रेजेंट किया जाता है TCP/IP मॉडल में। किसमें? TCP/IP मॉडल में। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका एप्लीकेशन लेयर। क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर। करेक्ट आंसर क्या है? एप्लीकेशन लेयर ही बेसिकली यूज की जाती है इसमें। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज कनेक्शन लेस। हमने डिस्कस किया था TCP/IP मॉडल के अंदर कि दो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर दो प्रोटोकॉल होते हैं। एक होता है आपका TCP/IP का प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक होता है आपका UDP प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो इसके अंदर से कौन सा कनेक्शन लेस होता है? अब हमने जब डिस्कस किया था तो हमने एक चीज और भी डिस्कस की थी कि जो TCP/IP जो प्रोटोकॉल है वह कनेक्शन होता है, उसके अंदर कनेक्शन से प्रोटोकॉल डिफाइंड होता है। तो कनेक्शन लेस जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है आपका UDP। कौन सा होता है जिसमें कनेक्शन की जो है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल भी होता है वो? तो UDP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका UDP। वो क्या होगा? UDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ओएसआई लेयर करस्पॉन्डेंट टू TCP/IP प्रेजेंट एप्लीकेशन लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग ओएसआई लेयर करस्पॉन्डेंट टू TCP/IP एप्लीकेशन लेयर। इसके अंदर कौन सी जो लेयर है जो आपकी ओएसआई मॉडल्स की ओएसआई मॉडल्स की कौन सी लेयर्स है जो TCP/IP लेयर्स की एप्लीकेशन लेयर के करस्पॉन्ड होती है? ओएसआई मॉडल की तीन लेयर्स जो होती है वो दोस्तों वो TCP/IP लेयर्स के एक एप्लीकेशन लेयर के करस्पोंडेंस होती है। तो उन तीन लेयर्स में कौन कौन सी है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, एप्लीकेशन लेयर, IP एड्रेस, सेशन लेयर, ऑल दी अबव।
तो यहाँ पे यदि हम बात करें, यहाँ पे हम बात करें कि आपकी जो तीन लेयर्स होती है कौन कौन सी होती है, वो एप्लीकेशन लेयर होती है आपकी, दूसरी आपकी होती है प्रेजेंटेशन लेयर, और तीसरी आती है आपकी सेशन लेयर। ये तीनों लेयर्स आपके जो TCP/IP जो प्रोटोकॉल है उसकी, सॉरी OSI मॉडल्स की जो ये तीनों लेयर्स, OSI मॉडल की तीनों लेयर्स TCP/IP मॉडल की एप्लीकेशन लेयर के इक्विवेलेंट होती है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि OSI मॉडल की कौन सी तीन लेयर्स आपकी एप्लीकेशन TCP/IP की एप्लीकेशन लेयर के इक्विवेलेंट होती है। तो हमने इसमें देखा एप्लीकेशन लेयर, IP एड्रेस और सेशन लेयर। तो IP एड्रेस वाली जो लेयर है उसको हम प्रेजेंटेशन लेयर भी कह सकते हैं। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये तीनों लेयर्स मिलके ही आपकी क्या बना रही है, एप्लीकेशन लेयर बना रही है। क्या बना रही है, एप्लीकेशन लेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल दी अबो। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल दी अबो, क्योंकि तीनों लेयर से मिलके आपकी क्या बन रही है, एप्लीकेशन लेयर। तो राइट आंसर है आपका ऑल दी अबो इसके अंदर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द OSI डिटरमाइन द इंटरफेस ऑफ एन सिस्टम विद द यूजर। कौन सी लेयर OSI मॉडल की, कौन सी लेयर इंटरफेस डिटरमाइन करती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने डिस्कस किया था कि जो इंटरफेस है किसी भी OSI मॉडल का, वह कौन सी लेयर होती है जो इंटरफेस डिटरमाइन करती है, किसी भी एप्लीकेशन का जो इंटरफेस डिटरमाइन कर रही है वो लेयर है आपकी एप्लीकेशन लेयर। कौन सी लेयर है, एप्लीकेशन लेयर। हमने डिस्कस किया था जो टॉप मोस्ट लेयर आपकी, कौन सी लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर। टॉप मोस्ट लेयर का काम क्या होता है, जो एप्लीकेशन लेयर है उसका काम है इंटरफेस को डिफाइन करना। किसी भी सिस्टम के इंटरफेस को जो डिफाइन कर रही है वो है आपकी एप्लीकेशन लेयर। करेक्ट आंसर क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर। द डेटा यूनिट इन द TCP/IP लेयर कॉल्ड अ डेटा यूनिट है इन द TCP/IP लेयर। TCP/IP लेयर के अंदर जो डेटा यूनिट है उसको हमने क्या कहा दोस्तों। हमने डिस्कस किया था हर एक मॉडल के अंदर जो आपकी यूनिट्स है, जैसे कि द डेटा यूनिट इन TCP/IP लेयर कॉल्ड अ क्या कहा जाता है, मैसेज। किसी भी यूनिट को नहीं कहा जाता है, तो यहाँ पे मैसेज भी इसका आंसर नहीं होगा। देन आपके आंसर में ऑप्शंस आते हैं सेगमेंट, डेटा फ्रेम, डेटाग्राम और फ्रेम। तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि TCP/IP जो लेयर है उस TCP/IP लेयर के अंदर जो डेटा यूनिट है, जो डेटा यूनिट है उसको हमने क्या कहा था, बेसिकली फ्रेम जो कहा जाता है वो किसमें कहा जाता है, डेटा लिंक लेयर में। फ्रेम किसमें कहा जाता है, डेटा लिंक लेयर में। तो TCP/IP लेयर में इसमें क्या कहा गया था, सेगमेंट कहा गया था। क्या कहा गया था, डेटा यूनिट को क्या कहा गया था, सेगमेंट कहा गया था। कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, आपके सेगमेंट फॉर्म में हो रहा है। किस फॉर्म में हो रहा है, सेगमेंट फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि TCP/IP जो लेयर है वो किसकी है, किसका पार्ट है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। TCP/IP जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का पार्ट है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डेटा को कहा गया वो कहा गया सेगमेंट। क्या कहा गया, सेगमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सेगमेंट होगा दोस्तों। क्या आंसर होगा, सेगमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNS कैन ऑप्टेन। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर कैन ऑप्टेन अ होस्ट इफ इट्स डोमेन नेम इज नोन एंड वाइस वर्सा। यदि इसका डोमेन नेम पता रहता है या नहीं पता रहता तो क्या वो डोमेन नेम ऑब्टेन करता है। ऑप्शंस है स्टेशन एड्रेस, कभी भी डोमेन नेम जो सर्वर या डोमेन नेम जो सिस्टम है वो कोई भी स्टेशन एड्रेस को कैप्चर नहीं करता है। वो किसको कैप्चर करता है, आपके IP एड्रेस को, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को। किसको कैप्चर करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को। जो होस्ट है वो क्या डिटरमाइन करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को डिटरमाइन करता है। किसको डिटरमाइन करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को डिटरमाइन करता है, क्योंकि पोर्ट एड्रेस को भी वो डिटरमाइन नहीं करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज IP एड्रेस, दैट इज IP एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच OSI लेयर डज द FDDI
प्रोटोकॉल ऑपरेट। अब हमने डिस्कस किया एफटीडीआई का, हमने पहले भी एक क्वेश्चन आया था उसमें हमने डिस्कस किया था फाइबर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेस जो होता है एफटीडीआई, वह कौन से लेयर पे ऑपरेट होता है। अब क्योंकि एफटीडीआई मतलब फाइबर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, फाइबर केबल के थ्रू डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन यदि केबल के थ्रू हो रहा है आपका, तो कौन सी लेयर पे ये ऑपरेट होगा। तो हमने डिस्कस किया था जो लेयर है वो फिजिकल लेयर होती है डेटा को एस्टेब्लिश करने में, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फिजिकल लेयर। क्यों? क्योंकि फिजिकल लेयर के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो लेयर डज द एफटीडीआई प्रोटोकॉल ऑपरेट विच इज फिजिकल लेयर, कौन सी है वो, फिजिकल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल कैन यूज द ट्रेलर ऑफ द फ्रेम फॉर एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन के लिए कौन सी ओएसआई मॉडल यूज किया जाता है। तो हमने देखा था कि जो एरर डिटेक्शन के लिए जो लेयर यूज की जाती है वह होती है आपकी डेटा लिंक लेयर। कौन सी होती है दोस्तों, डेटा लिंक लेयर, क्योंकि फिजिकल लेयर में आपका एरर डिटेक्शन नहीं होता, वो फिजिकल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने में काम आती है। ट्रांसपोर्ट और प्रेजेंटेशन लेयर आपको फॉर्मेट करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड डिलीवरी आपको बताती है। तो यहाँ पे जो एरर फाइंड आउट होती है फ्रेम के अंदर, क्योंकि फ्रेम किसके अंदर बनता है आपका, फ्रेम डेटा लिंक के अंदर बनता है, और उस फ्रेम में डेटा एरर डिटेक्शन करने का काम कौन सी लेयर का होता है, डेटा लिंक लेयर का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, डेटा लिंक लेयर। क्या होगा, बी डेटा लिंक लेयर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टोपोलॉजी इफ देयर आर एन डिवाइस इन अ नेटवर्क ईच डिवाइस हैज एन माइनस वन पोर्ट ऑफ केबल्स। कौन सी टोपोलॉजी है यदि उसके अंदर एन डिवाइसेस लगी हुई है और नेटवर्क के अंदर, और ईच डिवाइस हर एक डिवाइस उस नेटवर्क के अंदर एन माइनस वन पोर्ट से कनेक्टेड होगी फॉर ए केबल, केबल के थ्रू। तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि यदि जो आपकी टोपोलॉजी है वो यदि मेश टोपोलॉजी किस टाइप की होती है, जिसके अंदर सेपरेट कनेक्शंस होते हैं और टोटल एन माइनस वन कनेक्शन होते हैं। क्यों, क्योंकि एन कनेक्शन पर टोटल एन मतलब नंबर ऑफ डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, तो वो खुद के अलावा जो बाकी एन माइनस वन डिवाइसेस बची हुई है उनसे वो कनेक्ट होती है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, एन माइनस वन पोर्ट के लिए जो टोपोलॉजी यूज की जाती है वो होती है आपकी मेश टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी होती है वो, मेश टोपोलॉजी, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में एक के आपका हब होता है और उससे कनेक्टेड होती है बाकी जो डिवाइसेज है। बस में एक रूट के थ्रू मल्टीपल डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होती है, रिंग के अंदर राउंड वे में डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो एन माइनस में जो कनेक्शन बनता है वो बनता है आपका मेश टोपोलॉजी में। किसमें बनेगा दोस्तों, मेश टोपोलॉजी के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, मेश टोपोलॉजी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड सूट ऑफ प्रोटोकॉल यूज बाय द इंटरनेट इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट एंड सम अदर नेटवर्क, कौन सा होगा। द स्टैंडर्ड सूट ऑफ प्रोटोकॉल यूज बाय द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू कौन सा नेटवर्क यूज किया जा रहा है। तो इंटरनेट के थ्रू जो प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है वो कौन सा होगा, चाहे वो इंटरनेट हो चाहे एक्सट्रानेट हो, कोई सा भी जो इंटरनेट है उसमें जो प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है वो हमने डिस्कस किया था, कौन सा वो, TCP/IP या प्रोटोकॉल ओपन सिस्टम इंटरनेट नेटवर्क प्रोसेस। तो प्रोटोकॉल मतलब एक स्टैंडर्ड सूट प्रोटोकॉल का जो यूज किया जाता है इंटरनेट के थ्रू वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका यूज किया जा रहा है, दैट्स मीन इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, TCP/IP प्रोटोकॉल। क्या होगा, TCP/IP प्रोटोकॉल इसमें यूज किया जाता है। तो राइट आंसर है TCP/IP प्रोटोकॉल, राइट आंसर क्या है, TCP/IP प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द ड्रॉबैक ऑफ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का ड्रॉबैक क्या है इसमें से बताइए। पहला, फेलियर ऑफ ए कंप्यूटर कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क। अब रिंग टोपोलॉजी में हमने दोस्तों क्या देखा था कि रिंग टोपोलॉजी में डिवाइसेज आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होती है, करेक्ट, इस तरीके से कनेक्टेड होती है। तो क्या होगा कि यदि आपका पहला फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर, यदि यहाँ ये डिवाइस फेल हो जाती है तो क्या सारा का सारा जो नेटवर्क वो फेल होगा, करेक्ट।
हमने डिस्कस किया था कि एक डिवाइस भी रिंग के अंदर फेल होती है तो आपका सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। करेक्ट। एडिंग और रिमूविंग द कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड द नेटवर्क एक्टिविटी। एडिंग और रिमूविंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी। अब ये बोल रहा है कि ये रिंग टोपोलॉजी का आपका जो पहले से बनाया नेटवर्क है, इसमें आप कोई भी डिवाइस एड करते हो या रिमूव करते हो तो वो क्या आपके नेटवर्क को डिस्टर्ब करेगा? यस, वो आपके नेटवर्क को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, क्योंकि यदि कोई भी डिवाइस एड हो रही है या रिमूव हो रही है तो वो इफेक्ट करेगा आपके नेटवर्क को। थर्ड, इफ द सेंट्रल हब फेल द होल नेटवर्क फेल टू द ऑपरेट। थर्ड, सेंट्रल हब फेल। अब सेंट्रल हब स्प्रिंग टोपोलॉजी में कुछ होती ही नहीं है, क्या नहीं है? सेंट्रल हब कुछ है ही नहीं, तो फेल क्या होगी? तो इस वजह से ये इसका आंसर नहीं होगा। इस पर जो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्या होगा? बोथ ए एंड बी। राइट आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। इसमें से क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है? In bus topology, heavy network traffic slow down the bus speed or it is multiple point configuration. Bus topology के अंदर क्या है? Bus topology हमने देखा था कि multi-point configuration इसमें होता है आपका bus topology के अंदर। तो correct answer मतलब true है, bus topology के अंदर जो configuration है वो multi-point होता है। दूसरा, in bus topology, heavy network traffic slow down the bus speed. Yes. यदि बस टोपोलॉजी के अंदर यदि ट्रैफिक ज्यादा होता है तो क्या करेगा आपका? ये स्लो डाउन कर देगा। किसको स्लो डाउन कर देगा? नेटवर्क को, जो स्पीड है उसकी स्लो डाउन कर देगा। तो दोनों ही केस में ये क्या है? ट्रू है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ट्रू ट्रू क्या होगा? ट्रू ट्रू ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेसेस यूज 7 बिट्स फॉर द नेटवर्क एंड 24 बिट्स फॉर द होस्ट पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस। हमने डिस्कस किया था कि 7 बिट्स नेटवर्क की कौन सी में यूज की जाती है, कौन सी क्लास होती है। तो ये सबसे फर्स्ट क्लास होती है जिसके अंदर 7 बिट्स आपकी यूज की जाती है नेटवर्क की और 25 बिट्स आपकी एज ए होस्ट पोर्शन यूज की जाती है आईपी एड्रेस की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लास ए। क्या राइट आंसर होगा? क्लास ए। क्लास ए के अंदर ही ये यूज किया जाता है, जिसकी जो फर्स्ट 7 बिट्स होती है, 8 बिट्स में से 1 जो आपकी फर्स्ट ऑक्टेट की 1 बिट जो है वो हाईएस्ट होती है, और रिमेनिंग जो 7 बिट्स है वो नेटवर्क आईडी होती है, और 24 जो बिट्स होती है होस्ट पोर्शन के लिए वो होती है क्लास ए के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज क्लास ए। क्या होगा? क्लास ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेसेस इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग के लिए कौन सी एड्रेसेस रिजर्व करता है? तो हमने डिस्कस किया था जो क्लास बी सी डी ई, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि डी क्लास के लिए कोई भी आपका जो है मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व रहता है आपकी डी क्लास, और ई क्लास फ्यूचर यूज के लिए, रिसर्चर्स के लिए यूज रहती है। तो यहाँ पे जो इसका रिजर्व मल्टीकास्टिंग है वो होगा आपका डी, मतलब सी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्लास डी इसमें यूज की जाती है, क्योंकि क्लास बी और क्लास सी आपका एक फिक्स आईपी एड्रेस यूज किया जाता है, उसमें मल्टीकास्टिंग नहीं होती है, ब्रॉडकास्ट नहीं होती है। डी के अंदर आपका ब्रॉडकास्ट यूज किया जा रहा है, मल्टीकास्टिंग यूज की जा रही है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज द फर्स्ट स्टेप टू एवोल्यूशन ऑफ इथरनेट फ्रॉम ए कॉक्सिकल केबल बस टू हब मैनेज ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क। अब देखिए इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन है वो किस तरीके से, कौन सी टोपोलॉजी हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर, जो वो द फर्स्ट स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ ईथरनेट फॉर्म आप कॉक्सिकल केबल बस टू हब मैनेज ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क। अब यहाँ पे किसके थ्रू मैनेज हो रहा है? हब के थ्रू मैनेज हो रहा है। किसके थ्रू मैनेज हो रहा है? ये हब के थ्रू मैनेज हो रहा है। ठीक है, ईथरनेट फॉर्म में कॉक्सिकल केबल बस टू द हब मैनेज ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क। ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क के अंदर हब के थ्रू में जो मैनेज हो रहा है वह कौन सा नेटवर्क होगा आपका?
आपके थ्रू जो मैनेज हो रहा है वो होता है आपका स्टारलिंक। कौन सा यूज होता है उसके अंदर? स्टारलिंक, क्योंकि स्टार टेक्नोलॉजी का एक वर्ग क्या होता है आपका, आपके थ्रू डेटा जो कनेक्शन है उनको मैनेज करना। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्टार ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एड्रेसेस विथ ऑल बिट्स वन इज इंटरप्रेटेड एज ऑल द नेटवर्क्स एंड ऑल होस्ट एंड द क्लास ए नेटवर्क इज द क्लास ए नेटवर्क 128.0.0 इज डिफाइंड एज द लूपबैक नेटवर्क। लूपबैक नेटवर्क की हम बात करें तो क्या उसमें रहेगा? देखिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है इसके अंदर। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट क्या है, एंड एड्रेसेस विथ ऑल बिट्स वन इज इंटरप्रेटेड एज वेल ऑल द नेटवर्क और ऑल होस्ट। यदि एड्रेसेस जो कंप्लीट बिट्स के साथ है जिसमें वन का इंटरप्ट होता है तो सारा का सारा नेटवर्क या होस्ट क्या हो जाता है, इंटरप्ट हो जाते हैं विथ ऑल बिट्स। तो ये कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द क्लास ए नेटवर्क 128.0.0 डिफाइंड एज द लूपबैक नेटवर्क। ये इसका रॉन्ग आंसर है, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि लूपबैक जो एड्रेस होता है, क्योंकि क्लास ए का जो आपने देखा था कि क्लास ए जो स्टार्ट होती है वो लास्ट उसका जो एंड होता है वो था 127, क्योंकि 128 से क्लास बी स्टार्ट हो जाती है आपकी। तो क्लास ए नेटवर्क कभी भी आपका 128 से स्टार्ट नहीं होगा, वो हमेशा उसका फर्स्ट ऑपरेट होगा 1 से लेके 127 तक उसका लास्ट ऑपरेट होगा, ठीक है। तो ये लूप बैक नेटवर्क इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि 128 क्लास बी का होता है। 128 किसका होता है, क्लास बी का होता है आपका। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ही इसमें क्या है, ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ही इसमें क्या है, ट्रू है। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंप्लाइज दैट ऑल सबनेट ऑब्टेंड फ्रॉम द सेम नेटवर्क यूज सब नेट मास्क। कौन सा सबनेटिंग इसमें यूज किया जाता है, ऑब्टेंड फ्रॉम द सेम नेटवर्क, सेम नेटवर्क से यूज करने के लिए सबनेट मास्क। स्टैटिक सबनेटिंग, डायनामिक सबनेटिंग, वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग एंड बोथ बी एंड सी। अब देखिए दैट ऑल सबनेट ऑब्टेंड फ्रॉम द सेम नेटवर्क, सबनेट जो ऑब्टेंड हो रहा है वो सेम नेटवर्क से हो रहा है, यूज द सबनेट मास्क। सबनेट मास्क के थ्रू इसको हम यूज कर रहे हैं। तो सेम नेटवर्क के अंदर यदि हम बात करते हैं सबनेट मास्क की, तो आपके दो तरीके की सबनेट मास्किंग होती है, आपका एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है, एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंप्लाई दैट ऑल सबनेट ऑब्टेंड फ्रॉम द सेम नेटवर्क यूज द सबनेट मास्क, कौन सा इसमें यूज किया जा रहा है आपका, क्योंकि सेम नेटवर्क में सबनेट मास्क का जो यूज कर रहा है आपका, तो इसके अंदर जो रहेगा स्टैटिक सबनेटिंग क्या रहता है, स्टैटिक जो सबनेटिंग मिलेगी वो फिक्स रहेगी, ऑब्टेंड फ्रॉम द सेम नेटवर्क, एक नेटवर्क के लिए जो डायनामिकली चेंज नहीं होगा, तो वो सबनेट ऑब्टेंड फ्रॉम द सेम नेटवर्क जो सबनेट मास्क वो कौन सा रहता है, स्टैटिक सबनेटिंग होती है। कौन सी होती है, स्टैटिक सबनेटिंग। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो होगा आपका स्टैटिक सबनेटिंग, इसमें राइट आंसर इसका होगा। तो राइट आंसर क्या है, स्टैटिक सबनेटिंग होगा इसका। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड इज ऑफ्टन टर्म एज अ लोकल एड्रेस और लोकल पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस। तो हमने इस पर डिस्कस किया था कि कोई भी आईपी एड्रेस होता है उसके अंदर दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक आपका होता है नेटवर्क नंबर और एक होता है होस्ट नंबर। नेटवर्क नंबर और होस्ट नंबर के कॉम्बिनेशन से आपका लोकल एड्रेस पोर्शन, आईपी एड्रेस का लोकल एड्रेस का पोर्शन होता है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क नंबर एंड होस्ट नंबर इज ऑफ्टन टर्म एज द लोकल एड्रेस और द लोकल पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, नेटवर्क नंबर और होस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग हायर लेवल प्रोटोकॉल एड्रेस टू द फिजिकल नेटवर्क एड्रेस। हायर लेवल प्रोटोकॉल को
एड्रेसेस को फिजिकल नेटवर्क एड्रेसेस में कौन चेंज करता है, कौन कन्वर्ट करता है। उन ऑप्शंस है एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो इसके अंदर हमने देखा था कि यदि एड्रेस कन्वर्ट हो रहा है आपका, तो वो किसके थ्रू होता है, क्योंकि बूट आपका जो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, तो वो मैसेज को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है कि किस तरीके से सारा जो मैनेज है नेटवर्क लेयर्स का, उसको मैनेज करने में यूज किया जाता है। यहाँ पे जो बेसिकली बात हो रही है कि हाई लेवल प्रोटोकॉल एड्रेस को फिजिकल नेटवर्क एड्रेस में कन्वर्ट करता है। फिजिकल नेटवर्क एड्रेस में जो कन्वर्ट करता है वो होता है एआरपी। कौन सा होता है आपका? एआरपी, जिसे हम बोलते हैं एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। क्योंकि एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल ही आपका जो प्रोटोकॉल है हाई लेवल के, उनको कन्वर्ट करता है इसमें नेटवर्क एड्रेस के अंदर। तो ए इसका राइट आंसर है, एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोटोकॉल टू फिजिकल नेटवर्क एड्रेसेस। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, अ सिंपल केबलिंग मेथड नॉन टोपोलॉजी अलाउ अबाउट 30 कंप्यूटर्स ऑन ए मैक्सिमम केबल लेंथ ऑफ अबाउट 600 फीट। 600 फीट पे कौन सा 30 कंप्यूटर्स को अलाउ करता है, कौन सी टाइप की जो केबलिंग मेथड है वो इसमें सुटेबल रहेगी। अब यदि हम बात करें रिंग टोपोलॉजी की, तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर 30 कंप्यूटर्स आप आपस में कनेक्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, इसकी केबल की लेंथ कितनी है, 6600 फीट है। तो ये सिंपल केबलिंग मेथड रिंग टोपोलॉजी में नहीं हो पाती है, क्योंकि उसका रीजन क्या है, रिंग के अंदर 1/1/1/1 कनेक्शन होता है। बस टोपोलॉजी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि बस टोपोलॉजी में क्या होता है, मल्टीकास्टिंग पॉइंट होती है। क्योंकि बस टोपोलॉजी में क्या होता है, मल्टीकास्टिंग होती है, मल्टी पॉइंटिंग डिफाइन होता है टोपोलॉजी। मल्टी पॉइंट्स, एक ही बस पे मल्टी पॉइंट्स होते हैं। तो मींस क्या रहा, यहाँ पे हम देखेंगे कि बस टोपोलॉजी के अंदर एक केबलिंग हमने यहाँ से कर दी। बस टोपोलॉजी में क्या रहेगा, बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंटिंग होती है आपकी। तो केबलिंग करने के बाद क्या, करने के बाद केबलिंग करने के बाद में आप मल्टी पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हो। मतलब यहाँ से यदि आपकी ऐसे केबलिंग चलती है और इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट 30 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो एक ही केबल से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बस टोपोलॉजी। क्या होगा, बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज प्रोटेक्ट डेटा एंड पासवर्ड, डेटा और पासवर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, वह इसमें होगा एनक्रिप्शन। क्योंकि एनक्रिप्शन का मतलब ही डेटा और पासवर्ड को प्रोटेक्ट करना होता है। तो राइट आंसर होगा इसमें एनक्रिप्शन। राइट आंसर क्या होगा, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन प्रोटेक्ट डेटा एंड पासवर्ड, एनक्रिप्शन ही प्रोटेक्ट करता है आपको डेटा और पासवर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रोटोकॉल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर यूजर्स एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम सपोर्ट सच एज पासवर्ड, रिसोर्स शेयरिंग, फाइल ट्रांसफर एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए जैसे पासवर्ड शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, फाइल ट्रांसफरिंग, इसके लिए कौन सी लेयर सपोर्ट करती है। तो हमने देखा था कि ओएसआई मॉडल के लिए जो एप्लीकेशन के लिए जो इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहे हो आप, रिसोर्सेज का शेयरिंग करना, पासवर्ड को सिक्योर करना, ये किसके थ्रू होता है, लेयर नंबर 7 के थ्रू। किसके थ्रू होता है, लेयर नंबर 7 के थ्रू। तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या है, लेयर 7 प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर क्या है, लेयर 7 प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे आपके लिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है, और हम आपके लिए और क्वेश्चंस का सेट लाते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।